नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और महायुद्ध ब्रेकिंग में सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक यूक्रेन में रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा 65,000 तक पहुंचने वाला है। इसके साथ ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा यह किया है कि 24 घंटे में रूस के 12 ड्रोन मार गिराए गए हैं। रूस ने आधी रात निकोपोल पर 40 गोले दागे हैं। निकोपोल में 30 हाई राइज इमारतें ध्वस्त हुई। इसके साथ ही यूक्रेन का दावा यह है कि खेरसोन के अंदर रूस ने अपनी आर्मी की संख्या बढ़ा दी है। नए जवानों की प्रशिक्षण के बाद सीधे खेरसोन में पोस्टिंग। रूस में सेना की नई भर्तियों पर जेलेंस्की ने पलटवार किया है। जेलेंस्की का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। यूक्रेन के अंदर रूस के 1,00,000 सैनिक मारे जाएंगे। जेलेंस्की ने बयान ये दिया है कि डोनेस्क के पखमत में इस वक्त सबसे भीषण जंग चल रही है। शहर के 70,000 नागरिकों ने पलायन किया है। और रूस के बेलग्रद में हुए यूक्रेन के हमले में रूस के 11 सैनिकों के मारे जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के सुमे प्रांत के गवर्नर ने यह दावा किया है कि रूस की सेनाओं ने आर्टिलरी और मिसाइल से भारी तबाही मचाई है। 100 से ज्यादा हमले किए गए हैं। और जंग में जीत वही हासिल करता है जो ठंडे दिमाग से बड़े फैसले लेता है। ऐसा एक जनरल जेलेंस्की के पास है जिसकी चर्चा वॉशिंगटन से लंदन तक के अखबारों में है। इस जनरल की तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी है और इसने राजधानी कीव से खार्किव तक रूस की सेना को भागने को मजबूर कर दिया। कौन है ये यूक्रेन का सुपर हीरो, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक जनरल जिसको दुनिया ने कहा आयरन जनरल, जेलेंस्की का सबसे चहेता जनरल जो यूक्रेन की जमीन का सबसे बड़ा जंगबाज साबित हुआ। Зі святом і дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні! Юкрейн кі армії ка командир ін чіф, джиски черча пурі дуня ме хе. Дуня бхар кі акбаро ме Юкрейн кі сена прамок ко лохе ка джанрал каха жа раха хе. Яні фолади сенапати. Ек ор хедлайнс дейхіє, джисме Юкрейн кі іс джангбаз ко айрон джанрал каха гя. इस जनरल के बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में लिखे और पढ़े जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के कवर पेज पर इस जनरल की तस्वीर प्रकाशित की गई है। कीव से लेकर खार्कीव तक रूस की आर्मी को धूल चटाने की योजना बनाने वाला जनरल यही है। जिसके नाम की दहशत पूरे मॉस्को में छाई हुई है। पुतिन भी उम्मीद करते हैं कि काश उनके पास ऐसा फौलादी जनरल होता। इस जनरल का नाम है वैलेरी ज़ालुज़नी। पुतिन के पास किंजल मिसाइल है। पुतिन के पास कैलिब्र मिसाइल है। पुतिन के पास खतरनाक इस्केंदर मिसाइल है। पुतिन
यूक्रेन के पास खौफनाक सरमत मिसाइल है। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास ये जनरल है जिसने अपनी शानदार रणनीति के दम पर कीव, खार्किव, इज़्यूम और लीमान में रूस की सेनाओं को पीछे धकेल दिया है। आखिर क्या खास है इस जनरल में? आखिर क्यों सिर्फ एक जूनियर कमांडर रहे वैलेरी ज़ालुज़नी को अचानक ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का सबसे बड़ा कमांडर, कमांडर इन चीफ बना दिया? ज़ेलेंस्की का ये 4-स्टार जनरल यूक्रेन के अंदर पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने ये ऐलान किया है कि हम इस जंग को अपने बच्चों तक नहीं जाने देंगे। रूस से जंग हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे। हम अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये वो घोषणा है जिसने पुतिन और उनके कमांडर्स के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुज़नी का दिमाग इतना तेज चलता है कि वैलेरी ज़ालुज़नी की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका की जीत के रणनीतिकार रहे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से की जाने लगी है। इस जंगबाज जनरल की पूरी कहानी आपको बताएंगे, कैसे ये जनरल रातों रात दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सेनापति बन गया, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। 24 फरवरी को जब पुतिन की मिसाइलें कीव पर कहर खाने लगी और रूस की फौज ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कीव को फतह कर वहां फ्लैग मार्च की योजना बनाई, तब सबसे मुश्किल में घिरे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुज़नी के साथ मीटिंग की। वैलेरी ज़ालुज़नी ने कीव की लड़ाई में रूस के खिलाफ रणनीति बनाई। ज़ालुज़नी ने कीव की लड़ाई को 4 चरणों में बांटा। पहला चरण, रूस की सेना को कीव तक आने दिया जाएगा, ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया जाएगा। दूसरा चरण, रूस की सेना के अपने आपूर्ति केंद्रों से काफी दूर चले जाने का इंतजार किया जाएगा। तीसरा चरण, रूस की सेना के खाने पीने का सामान यानी रसद या सप्लाई लाइन को काट दिया जाएगा। और चौथा चरण, सप्लाई लाइन कटने के बाद भूखे प्यासी रूस की सेना पर हमला किया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब रूस की आर्मी कीव के पास तक पहुंच गई तब रूस की सप्लाई लाइन कट गई और भूखे प्यासे रूस के सैनिकों पर यूक्रेन की ड्रोन आर्मी और जैवलिन मिसाइलों ने खात्मा कर डाला। आखिरकार पुतिन की आर्मी कीव से उल्टे पांव भागने को मजबूर हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 फरवरी को यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुज़नी ने एक बयान भी दिया था, चाहे कितना भी खून बहे हम कीव को झुकने नहीं देंगे। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ के इन बयानों ने पूरे यूक्रेन का जोश हाई कर दिया था। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने इस बात को पहले पुख्ता किया था कि किसी भी कीमत पर रूस की आर्मी को कीव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई। कीव प्रांत के अंदर 3,000 पुलों को तोड़ दिया गया। आखिर यूक्रेन के इस जंगबाज जनरल के सामने पुतिन की एक भी नहीं चली, इसलिए पुतिन ने अपनी रणनीति बदल दी और कीव का सपना छोड़कर खुद को खार्किव तक सीमित रहने की प्लानिंग तैयार की। लेकिन खार्किव में भी यूक्रेन के कमांडर वैलेरी ज़ालुज़नी की स्ट्रेटजी पहले से तैयार थी।
यूक्रेन ने अमेरिका से तोप के 1,00,000 गोले मांगे। सितंबर के पहले हफ्ते में यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। और हर दिन रूस की आर्मी पर 5,000 से ज्यादा गोले दागे गए। रूस की आर्मी ने औसतन प्रति मिनट 5 गोले दागे। खारकीव में बमों और आर्टिलरी की इतनी खतरनाक बारिश हुई कि रूस के पांव उखड़ गए। सप्लाई लाइन काटकर दुश्मन को भूखा प्यासा मारना यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुज़नी की सबसे पसंदीदा रणनीति है। खारकीव के बाद इज्यूम वो इलाका था जहां से डॉनबास के लिए रूस को रसद की सप्लाई होती थी। रसद की सप्लाई की ये लाइन भी यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने काट दी। इसके बाद क्राइमिया का ब्रिज भी एक अहम रूट था जहां से रूस की सेना को लगातार सप्लाई हो रही थी। ये सप्लाई लाइन भी प्रभावित हुई जब क्राइमिया का ब्रिज उड़ा दिया गया था। पुतिन ने तब इस ब्रिज को उड़ाने का आरोप यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पर लगाया था। ये स्पेशल फोर्स भी कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुज़नी के इशारों पर एक्शन लेती है और यही वजह है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वैलेरी ज़ालुज़नी के यश गान में एक वीडियो रिलीज किया। यूक्रेन युद्ध का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वैलेरी ज़ालुज़नी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में होगा, क्योंकि वैलेरी ने 24 घंटों में 20 शहरों को आजाद करवाया। साल 2021 में वैलेरी ज़ालुज़नी सिर्फ 48 साल के थे। वो यूक्रेन की आर्मी में नॉर्थ कमांड के कमांडर थे। जुलाई 2021 में ही वैलेरी ने ज़ेलेंस्की को यह सूचना दे दी थी कि प्रेसिडेंट रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और तभी वरीयता क्रम में बहुत कम होने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने वैलेरी से भी 17 साल अनुभवी आर्मी चीफ को हटाकर उनको यूक्रेन का कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया। ज़ेलेंस्की इसलिए वैलेरी से प्रभावित थे क्योंकि बहुत कम समय में रूस के बॉर्डर्स पर वैलेरी ने यूक्रेन की आर्मी ढांचे को बहुत चाक चौबंद कर दिया था और आज वो यूक्रेन के सबसे बड़े आर्मी हीरो बन चुके हैं, जिनकी तरफ पूरा नेटो और खुद बाइडेन भी आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस चहेते जनरल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो कभी अपना आपा नहीं खोते और बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करते हैं। जनरल का ये कूल अंदाज यूक्रेन की सेना में जबरदस्त जोश पैदा करता है। यूक्रेन का ये कमांडर इन चीफ इतना दूरदर्शी यानी दूर तक सोचने वाला है कि टाइम मैगजीन के एक इंटरव्यू में बयान दिया कि यूक्रेन के इस युद्ध में हमारी जीत सिर्फ और सिर्फ सांस लेने का एक मौका होगी जिसमें हमको आने वाली अगली जंग की तैयारी में जुट जाना होगा, क्योंकि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ को पता है कि हार के बाद भी पुतिन चुप नहीं बैठेंगे और इसीलिए यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की फौज बाकायदा रूस के सैनिकों को निशाना बनाने के लिए युद्ध के वीडियो भी शूट करवा रही है और उन वीडियो को यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से वायरल करवाया जा रहा है जिसमें रूसी सैनिकों को भागते हुए और मरते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे ये वीडियो देखिए जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये रूस के सैनिक हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कार की तरफ गए। ये लोग कार में बैठकर भागने लगे लेकिन इस पर यूक्रेन की आर्मी की नजर थी और फिर अचानक एक धमाके के साथ पूरी कार जलकर राख हो गई और इसमें बैठे दो रूसी सैनिक शिकार हो गए। लेकिन उस वक्त भी एक रूसी सैनिक को अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलते हुए देखा गया। एक ऐसा वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है और ये चेतावनी देते हुए रिलीज किया है कि यूक्रेन के अंदर हमला करना कोई केक वॉक नहीं है। ये है वो वीडियो जिसमें रूस के कई सैनिक यूक्रेन के अंदर नजर आ रहे हैं।
ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि रूस के चार सैनिक रूस के घायल सैनिक को अपने हाथों से पकड़कर ले जा रहे हैं, लेकिन तभी वहां एक खतरनाक विस्फोटक ऊपर से गिराया जाता है, धमाका होता है और रूस के सभी सैनिक जमीन पर गिर जाते हैं। यूक्रेन ने यह वीडियो इसलिए रिलीज किया है ताकि रूस में इस वीडियो को देखकर लोग डर जाएं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने पहले रूस के बड़े बड़े जनरलों को टारगेट करके मारा और अब रूस के सैनिकों पर भी इसी तरह चुन चुन कर निशाना लगाया जा रहा है। यूक्रेन के इस जनरल का अब अगला निशाना खेरसॉन है, जहां पर रूस की आर्मी बहुत तेजी से पीछे हटती जा रही है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटेस्ट आंकड़े दिए हैं कि यूक्रेन में रूस के 64,700 सैनिक मारे जा चुके हैं। अब जेलेंस्की ने यह बयान दिया है कि रूस के 65,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। फिर भी पुतिन ये हकीकत नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि यूक्रेन पर कब्जा बरकरार रख पाना मुश्किल है नहीं बल्कि नामुमकिन है। Які убитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська могілізація, можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не споникатимуть Кремль про щось задумати. कुल मिलाकर रूस के लिए यूक्रेन में हालात बहुत कठिन है। ये पुतिन की लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है।